DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं online classes from pre-nursery to class 12th. 50% discount on girls fees. Online admission open. Visit dpsajmer.in. I think 2000. हाँ वो मैं निकलवा लूँगा. 20 से हमारी सरकार ने जो आदेश दिए थे उसके अनुसार हमारी बसें का संचालन आज तक बिल्कुल बंद है. और बसें बंद होने के कारण, संचालन बंद होने के कारण सरकार द्वारा जो टैक्स की डिमांड की जा रही है या टैक्स की माफ़ी नहीं दी जा रही है उसके विषय में हमने पूर्व में भी निवेदन किया था. और परिवहन मंत्री और आयुक्त महोदय ने इस बात को औपचारिक रूप से माना था कि जब बसों का संचालन ही नहीं है तो टैक्स किस बात का. लेकिन आज तक इस प्रकार का कोई भी ठोस आदेश जारी नहीं किया गया. और इस प्रकार का ठोस आदेश जारी नहीं होने के कारण हम सभी बस ऑपरेटर त्रस्त हैं और साथ ही बसों का संचालन भी इसीलिए बंद है. स्टेज कैरीज, कॉन्टेक्ट कैरीज, ग्रामीण सेवा, उपनगरीय सभी लोक परिवहन. तो हमारा यही है कि जब नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है कि अगर बसों का संचालन नहीं है तो टैक्स किस बात का. अन्य प्रदेशों ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और अपने उत्तराखंड, एमपी, इन लोगों ने 6-6 माह का टैक्स माफ कर दिया है. लेकिन राजस्थान सरकार जो है हमारी इस न्यायोचित बात पर भी अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया है. इसके विषय में आज सभा में एकत्रित हुए हैं. और दूसरी बात, एक विशेष बात यह कि जब गाड़ियों का संचालन नहीं होता है और कोई वाहन स्वामी अगर गाड़ियों का संचालन नहीं करना चाहता है तो हमारे एक उसमें धारा 25 के अनुसार नॉन यूज़ की एक धारा है. लेकिन नॉन यूज़ को भी वो उसमें सम्मिलित नहीं कर रहे हैं. तो ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा कुठाराघात है. इस व्यवसाय को एक पैकेज देना चाहिए. पैकेज देने के बजाय हमारे से इस प्रकार का आर्थिक भार हम पे डाल रहे हैं. हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, हमारे बीमे की रकम, ये सब जारी है, व्यर्थ जारी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है. राजस्थान के अंदर कुल 30,000 बसें हैं. उससे कम से कम 2,00,000 परिवार पलते हैं. और इस प्रकार की इस उद्योग को सरकार क्या चाह रही है पता नहीं. और इस न्यायोचित बात पर अभी तक सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है. इसलिए आज हम सब एकत्रित होकर सरकार ने कोई आश्वासन दिया है. आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि टैक्स माफ किया जाए, माफ करा जाए, परमिट की कंडीशन आगे करी जाए. आपका नाम? नवीन सोगानी, अध्यक्ष अजमेर रीजन प्राइवेट बस ऑनर्स.